ने पहले वो गाड़ मु आयो और थोड़ी के नीचे लग तो आयो ओ गया पले डम गया वो सुमारे वो मैं लोगे सी या पले डम गया वो सुमारे गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हाँ बेटा धीरज कैसे हो? ठीक हो? अच्छा, बाहर मत घूमा करो बेटा, रेवाड़ी में बहुत बहुत ज्यादा कोरोना चल रहा है अब। इसकी आवाज बंद करो बेटा, माइक ऑफ कर लीजिए। हम इस टॉपिक को लेके चलेंगे, पौराणिक हिंदू धर्म को, जो कि सुबह स्टार्ट किया था उसी को हमें दोबारा से आगे कराना है। पौराणिक हिंदू धर्म का उदय, इसके अंदर पौराणिक हिंदू धर्म है क्या, यानी हमारे भारत में अगर हम हिंदू धर्म को ये मानते, पौराणिक हिंदू धर्म की चर्चा यहाँ पे की गई थी, तो पौराणिक हिंदू धर्म एक ऐसा सिद्धांतों का समूह है जो कि हमारे देश में ऐसा माना जाता है कि शायद इतना पहले कोई भी धर्म मौजूद नहीं था, लेकिन उस समय यहाँ पे बहुत से ऐसे प्रमाण हमें मिल चुके हैं जिसमें क्लियर हो गया है कि पौराणिक हिंदू धर्म का उदय उस समय हो चुका था। जैसे यहाँ पर मुक्तिदाता की बात की गई है, मुक्तिदाता कौन है? जो संसार में जीवन और मरण से के चक्कर से छुटकारा दिलाए उसे मुक्तिदाता कहते हैं। तो बौद्ध धर्म के अंदर मुक्तिदाता का श्रेय महात्मा बुद्ध को जाता है। बौद्ध धर्म तक से ये माना जाता था कि सिर्फ मुक्तिदाता जो है बौद्ध धर्म से रिलेट करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये हिंदू धर्म के अंदर भी मुक्तिदाता की जो विचारधारा है वो उसमें भी उदय हुआ है। हम पाते हैं कि इसी तरह के विश्वास और एक अलग ढंग से उन में भी विकसित हो, जिन्हें आज हिंदू धर्म के नाम से जाना जाता है। यानी ये जो हिंदू धर्म की परंपराएं हैं, हिंदू धर्म के अंदर जैसे विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं की जो पूजा है, आचार है, विश्वास है, तो ये कोई एक दिन की एक दिन का नहीं है। ये बहुत लंबे समय से हमारे समाज की परंपराओं में ये घुला मिला रहा है और वहां से ही हमने प्राप्त किया है। इसमें वैष्णव परंपरा होती है, शैव परंपरा है। दो परंपराओं का उल्लेख खास तौर पे हम देखते हैं। वह है हिंदू परंपरा जिसमें विष्णु को सबसे महत्वपूर्ण देवता माना जाए, उसे वैष्णव परंपरा कहेंगे, और शैव परंपरा उस परंपरा को कहेंगे जिसमें शिव को सबसे यानी मिल है। इस तरह की दो परंपराओं के का उल्लेख आप कर सकते हैं। तो ये पौराणिक हिंदू धर्म की ही परंपराएं हैं ये। इसके अंतर्गत एक विशेष देवता की पूजा को खास महत्व दिया जाता था। विशेष देवता का मतलब यहाँ पे किसे कह रहे हैं ये विशेष देवता? यहाँ देवता का जो उल्लेख है, एक बार जैसे शिव के लिए हुआ है, दूसरी बार विष्णु देवता के लिए हुआ है। जैसे विष्णु देवता के बारे में कहा जाता है कि वह समय समय पर उन्होंने जन्म लिया है इस पृथ्वी पर, पाप का नाश करने के लिए विभिन्न प्रकार के अवतारों के रूप में जन्म लिया है। उसी तरह से शिव को भी दो रूपों में पूजते हैं, शिव लिंग के रूप में पूजते हैं, शिव को एक मनुष्य के रूप में भी पूजा जाता है। और इस प्रकार की आराधना में उपासना और ईश्वर के बीच का जो रिश्ता है वो प्रेम और समर्पण का रिश्ता माना जाता था, इसे भक्ति कहते हैं। तो भक्ति की अगर डेफिनेशन आपसे पूछी जाती है तो एक देवता के बीच में और एक भक्त के बीच में जिस तरह से उपासना का, पूजा पद्धति का, ईश्वर के साथ में जो प्रेम प्रेम का जो रिश्ता होता है या समर्पण भाव का जो रिश्ता होता है उसे भक्ति कहा जाता है। इससे आगे बढ़ते हैं।
वैष्णववाद में कई अवतारों के इर्द गिर्द पूजा पद्धतियां विकसित हुई, जैसे कि श्री कृष्ण, श्री राम और वराह अवतार, जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया गया है। तो इस तरह के इस वराह अवतार में पृथ्वी देवी को बचाते हुए वराह को दिखाया गया है। वराह एक मनुष्य और सुअर, इन दोनों को मिक्सर माना जाता है। यहाँ आगे देखिए, इस परंपरा के अंदर 10 अवतारों की कल्पना की गई है। ऐसा माना जाता है इन 10 अवतारों ने पृथ्वी पर जब जब पाप बढ़ा है तो उसके बढ़ते हुए पापों को दूर कर दिया है और पापियों का नाश कर दिया है और इस पृथ्वी को जीने के काबिल बना दिया है। यह माना जाता था पापियों के बढ़ते प्रभाव के चलते जब दुनिया में अव्यवस्था और नाश की स्थिति आ जाती थी, तब विश्व की रक्षा के लिए भगवान अलग अलग रूपों में पृथ्वी पर पाप बढ़ेगा या इस तरह की समस्या आएगी, पाप धर्मात्मा लोगों को तंग करेंगे, पापी लोग धर्मात्माओं को, तो इस तरह की परिस्थिति के अंदर भगवान अवतार का रूप धारण करेंगे और वह अवतार के रूप में यहाँ पर जन्म लेकर और उस पाप का नाश कर देंगे। यहाँ देखिए, संभवतः अलग अलग अवतार देश के भिन्न भिन्न हिस्सों में लोकप्रिय थे, जैसे कि श्री कृष्ण का अवतार है वो मथुरा के आसपास लोकप्रिय था। इस तरह से जो विष्णु का इन सब स्थानीय देवताओं को विष्णु का रूप माना मान लेना एकीकृत धार्मिक परंपरा के निर्माण का महत्वपूर्ण तरीका था। यानी हमें इसमें दो बातें पता चली हैं, एक तो ये कि जो अवतार हैं वो अपने स्थानीय स्तर पर, इसमें स्थानीय देवताओं का तो पता लग गया, स्थानीय देवताओं को स्थानीय जनता जानती है, लेकिन पुरी के अंदर श्री कृष्ण की पूजा होती है, आज पूरे भारत के लोग पुरी का दर्शन करने के लिए आते हैं, तो ये है श्री कृष्ण की पूजा को भारत के अंदर सब जगह पर सभी जगह के लोगों ने अपना लिया है। तो ये चीज हमें नोट करनी है। कई अवतार है समाज के अंदर प्रचलित थी। यहाँ पर सिरो वस्त्र, जो सिर पर धारण किया गया वस्त्र है, आभूषण, जो आभूषण धारण किया गया है, और आयुध, जो हथियार हाथ में लिया हुआ है, और बैठने की शैली से पहचान करके पता लगाया जाता है कि ये कौन से देवता का चित्र यहाँ पे बना से जुड़ी कुछ कहानियों से परिचित होना पड़ता है। कई कहानियां प्रथम सहस्त्राब्दी के मध्य से ब्राह्मणों के द्वारा रचित पुराणों में पाई जाती हैं। यानी इन पुराणों की रचना किसने की है? ब्राह्मणों ने इनकी रचना की है और इनके अंदर प्रथम सहस्त्राब्दी के मध्य विभिन्न प्रकार की कहानियां लिखी गई थी। इनमें बहुत से किस्से ऐसे हैं जो सैकड़ों वर्ष पहले रचने के बाद सुने सुनाए जाते रहे। इनमें देवी देवताओं की भी कहानियां हैं। सामान्यतः इन्हें संस्कृत श्लोकों में लिखा गया था। इन्हें ऊंची आवाज में पढ़ाया जाता था जिसे कोई सुन सकता था। महिलाएं और शूद्र जिन्हें वैदिक साहित्य पढ़ने और सुनने की अनुमति नहीं थी, पुराणों को सुन सकते थे। यानी पुराणों को सुनने की मनाही किसी को नहीं थी। देवी देवताओं की कहानियां भी इसमें शामिल थी। संस्कृत के श्लोकों के अंदर से इन कहानियों को लिखा गया था। इसमें ये कहा गया है कि ऊंची आवाज में अगर कोई एक व्यक्ति इसे पढ़कर सुनाए तो जो अनपढ़ लोग हैं वो भी इसे सुन सकते हैं। उस समय नियम बनाया गया था, सामाजिक नियम था कि महिलाएं और शूद्र जो हैं वैदिक साहित्य को ना तो पढ़ सकते हैं ना उसे सुन सकते हैं, लेकिन पुराणों को ज्यादातर कहानियां लोगों के आपसी मेल मिलाप से विकसित हुई हैं। अगर ये पुराण नहीं लिखे जाते, अगर लोग आपस में मेल मिलाप नहीं करते, तो पुजारी, व्यापारी और सामान्य स्त्री पुरुष एक से दूसरी जगह जाते हुए अपने विश्वासों और अवधारणाओं का आदान प्रदान करते थे। उदाहरण के लिए हमें जानते कि वासुदेव कृष्ण मथुरा इलाके के महत्वपूर्ण फैल गई। ये सब कैसे संभव हुआ? क्योंकि विभिन्न प्रकार के जो व्यापारी लोग हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, जो पुजारी लोग हैं वो भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, स्त्री और पुरुष एक दूसरे स्थान पर जाते आते हुए अपने साथ में आचार और विश्वास लेके जाते हैं, अवधारणाएं लेके जाते हैं, उस इलाके में भी उसी तरह की अवधारणाएं और उन कहानियों को का समावेश करते हैं। जैसे श्री कृष्ण का एग्जाम्पल दिया गया,
देखिए बेटा, मंदिरों का बनाया जाना, मंदिर कैसे बनाए जाना? मंदिरों को किस तरह से बनाया जाता था? 10.3 के शुरू शुरू के मंदिर जो है चौकोर कमरे के रूप में होते थे, जिन्हें गर्भगृह कहा जाता था। याद रखिए, शुरू के मंदिरों को गर्भगृह कहा जाता था क्योंकि एक चौकोर कमरा होता था, इसमें सजावट सजावटी का कुछ भी नहीं होता था, और उसके अंदर ऊपर जो है जैसे गोल आकार का जो टोम्ब बना होता है वो भी नहीं होता था। इनमें से एक दरवाजा होता था जिसे उपासक मूर्ति की पूजा करने के लिए भीतर प्रविष्ट हो सकता था, यानी एक एंट्री गेट होता था इसका। पूजा करने वाला उपासक जो व्यक्ति है वह मूर्ति की पूजा करने के लिए अंदर जा सकता था। धीरे धीरे गर्भगृह के ऊपर एक ऊंचा ऊंचा ढांचा बनाया जाने लगा, यानी एक ऊंचा ढांचा जो गोल आकार का आज आप मंदिरों में देख पा रहे हैं, वो इस तरह का उसमें शिखर बनाने लगे, जिसे शिखर कहा जाता है। यहाँ आप चित्र देखिएगा ऊपर, ये एक चित्र यहाँ पे बना हुआ है, महाबलीपुरम तमिलनाडु के अंदर स्थित है, में दुर्गा की एक मूर्ति, 6ठी सदी की एक मूर्ति यहाँ पे बनी हुई है, दुर्गा की मूर्ति है ये। कलाकारों ने किस प्रकार गति को दिखाने की कोशिश की, इस मूर्ति में बताई कहानी के बारे में जानकारी इकट्ठा करें। तो तमिलनाडु से संबंधित जो जानकारी है आप इसको इंटरनेट पे सर्च करके देखिए, इसमें दुर्गा, वैसे जितने भी दुर्गा के बारे में कहानियों का उल्लेख किया गया है तो उनके बारे में भी इसी तरह की राय आती है कि उन्होंने भी बहुत से पापियों का नाश किया है। जैसे आप व्रत वगैरह रखते हो तो कहानी आपको पढ़ के सुनाई जाती है ब्राह्मणों के द्वारा, तो वो उसके अंदर भी इसी तरीके की कहानी को बयान किया जाता है कि दुर्गा माता ने किस तरह से पापियों का नाश किया। जैसे श्री कृष्ण और श्री राम के बारे में कहानियों का उल्लेख हमारे समाज में मौजूद है, ठीक उसी तरीके की कहानियां इनके लिए भी मौजूद हैं। अब आप आगे आइए, पेज नंबर 106, यहाँ पे देवगढ़ का मंदिर दिखाई पड़ रहा है। ये देखिए, मंदिर के अंदर कोई उसका शिखर नहीं है, सामान्य सा एक कमरा दिखाई पड़ रहा है, इसमें एक सामने एक मंच दिखाई पड़ रहा है, और इसमें, यस बेटा बोलो, वन जीरो वन। अच्छा, तो बेटा इसमें 101 पे हम लोक परंपराओं से हमने ये शुरू किया था आज, इसके बारे में मैं बता रहा हूं आपको। यहाँ पे लोक परंपराओं के रूप में क्या दिखाई पड़ रहा है, साल भंजिका की मूर्ति यहाँ पे नजर आ रही है, और ये साल भंजिका की मूर्ति जो है ये इन स्तूपों के जो तोरण द्वार हैं वहां बनाने का क्या मकसद रखा गया, वो इसको सुंदर बनाना चाहते थे। और इस साल भंजिका के बारे में इतना इन कहानियों के अंदर से पता चल रहा है कि साल भंजिका एक महिला थी, और यह महिला जिस भी पेड़ पौधे को छू लेती थी उस पर सुंदर फूल खिल उठते थे, और वो सुंदर फूल कुछ ही समय बाद फल देने लगते थे, और इसीलिए स्तूप को और अधिक सुंदर दिखाने के लिए उसके तोरण द्वार पर इस महिला का इस तरह की मूर्ति को दिखाया गया है। सिर्फ इसको इतना समझिए, ज्यादा आप डिटेल में जाएंगे तो ये समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल सिंपल वर्णों में इतना ही बताया गया है। इसके बाद आगे देखिए, एक हाथी दिखा रखा है, और इस तरह की मूर्ति बयान की गई है जिसमें जंगल का परिदृश्य सामने आता है, इसमें विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे हैं, और ये जंगल का विहंगम दृश्य यहाँ दिखाने का मतलब है कि लोगों को आकर्षित करना, कि ज्यादा से ज्यादा जीवों के चित्र बना करके कहीं ना कहीं लोगों के, इनके मन में ये भावना थी कि ज्यादा से ज्यादा लोग आकर्षित होंगे, हाथी, घोड़े, बंदर, गाय और बैल, यहाँ तक कि सांप के भी चित्र बने हुए हैं, और ये चित्र हम अगले पेज पर देख सकते हैं। यहाँ एक गज लक्ष्मी की की मूर्ति देखिए, ये गज लक्ष्मी के बारे में इसी के अंदर कुछ जो इतिहासकार हैं वो ये मानते हैं कि यह महात्मा बुद्ध की माताजी माया थी, कुछ ये मानते हैं कि गजलक्ष्मी थी। गजलक्ष्मी एक प्रसिद्ध
देवी का नाम है, और इसमें जो गजलक्ष्मी पर पानी डालते हुए हाथियों को हम देख पा रहे हैं, और यहाँ एक ऐसा महसूस भी होता है कि शायद यह कोई राजकुमारी हो जिसका राज्याभिषेक किया जा रहा था, और यह उनके राज्याभिषेक करने का एक तरीका था। इस तरीके से हमें ये पता चल रहा है। यहाँ पे एक चित्र बयान किया गया है जिसमें एक एक ज्ञानी व्यक्ति को बैठे हुए दिखाया गया है और बाकी लोग उसकी सेवा में हाजिर बैठे हैं। इसमें ये क्लियर नहीं किया गया कि यह व्यक्ति कौन है। हो सकता है बौद्ध धर्म से रिलेटेड हो, हो सकता है किसी दूसरे धर्म से रिलेटेड हो। नीचे सर्प का चित्र बना हुआ है। ये सर्प का चित्र एक सांची के स्तूप के पास में ही ये बना हुआ था, और वहां पर है जैसे श्री कृष्ण की एक कहानी आपने देखी होगी कालिया नाग के संबंध में है। उसको उसने अकल ठिकाने लगाई थी यमुना नदी में उतरने के बाद। तो इस तरह से हो सकता है उसका कोई संबंध यहाँ पे दिखाना चाहते हो। अब इसके बाद में नई धार्मिक परंपराएं, इस टॉपिक से हम आगे लेके चलते हैं। यहां तक का तो आपको मेन मैंने बताया है। अब यहां से देखिए नई धार्मिक परंपराएं। महायान बौद्ध मत का विकास। ईसा की पहली सदी के बाद बौद्ध अवधारणाओं और व्यवहार में बदलाव नजर आते हैं। यानी जो पहली सदी है ईसा की, उस वहां से बड़ा चेंजमेंट महसूस होता है। बौद्ध धर्म जो है दो शाखाओं में बट जाता है। पहले उसकी पुरानी विचारधारा को हीनयान कहा जाता है, नई विचारधारा को महायान कहा जाता है। प्रारंभिक बौद्ध मत में निब्बान के लिए व्यक्तिगत प्रयास को विशेष महत्व दिया गया था। यानी जो पहला बौद्ध मत है इसका मतलब है हीनयान, उसको थेरवाद भी कहा जाता है। यानी थेरवाद या हीनयान के अकॉर्डिंग जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं लोगों के या अपने खुद के ट्राई जो होते हैं, वह निर्वाण प्राप्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण माने जाते थे उसके अकॉर्डिंग। हीनयान में बुद्ध को भी एक मनुष्य समझा जाता था। किसके अकॉर्डिंग? ये हीनयान विचारधारा के अकॉर्डिंग, जिन्होंने व्यक्तिगत प्रयास से प्रबोधन और निब्बान प्राप्त किया। प्रबोधन क्या होता है? ज्ञान की प्राप्ति। यानी खुद के प्रयास से उसने ज्ञान को प्राप्त भी किया और उसने निर्वाण को भी प्राप्त किया, परंतु धीरे धीरे एक मुक्तिदाता की कल्पना उभरने लगी। अब बेटा ये मुक्तिदाता क्या होता है? मुक्तिदाता का मतलब होता है कि जीवन के अंदर कोई भी सतगुरु, ऐसा कोई गुरु जो व्यक्ति को जीवन और मरण के चक्र से छुटकारा दिलाए। और इसके लिए महात्मा बुद्ध को माना जाने लगा कि वह मुक्तिदाता हैं। यह विश्वास किया जाने लगा कि वे मुक्ति दिलवा सकते थे। साथ साथ बोधिसत्व की अवधारणा भी उभरने लगी। बोधिसत्व का एक एग्जाम्पल मैं आपको चांडाल के रूप में बता चुका हूं, जिसके अंदर जो एक राजकुमारी होती है वह उन्हें देख लेती है, उन्हें अपवित्र मानती है, उन्हें पनिशमेंट दिया जाता है, बाद में उनकी शादी होती है। वो बोधिसत्व का की अवधारणा है, और बोधिसत्व की जो अवधारणा है वो महात्मा बुद्ध के संबंध में ही है। यानी उन्हीं का एक तरह से अवतार है। बोधिसत्वों को परम करुणामय जीव माना गया है। ये माना जाता है कि बहुत ही दयालु होते हैं, ये हर जीव पे दया करते हैं जो अपने सत्कार्यों से पुण्य कमाते थे। यानी जीवन के अंदर कोई भी पाप नहीं करते, लेकिन वे इस पुण्य का प्रयोग दुनिया को दुखों में छोड़ देने के लिए, निर्वाण प्राप्ति के लिए नहीं करते थे। यानी ये दुखों के अंदर दुनिया को छोड़ने के लिए ऐसा कर्म नहीं करते हैं, ये चाहते हैं कि ये खुद मोक्ष की प्राप्ति नहीं करना चाह रहे हैं, ये जनता की भलाई के लिए ऐसा कर रहे हैं, ये परोपकार की, दूसरों की सहायता के लिए करते थे। बुद्ध और बोधिसत्वों की मूर्तियों की जो पूजा है इस परंपरा का महत्वपूर्ण अंग बन गई। यह किसके विषय में माना जाता है? यह महायान के विषय में माना जाता है। महायान परंपरा के डेवलपमेंट की वजह से, उसके विकास की वजह से और चिंतन की नई परंपरा को महायान का नाम से जाना गया। जिन लोगों ने इन विश्वासों को अपनाया उन्होंने पुरानी परंपरा को हीनयान के नाम से संबोधित किया। तो याद रहे बेटा दो विचारधाराएं यहां पर हैं। एक विचारधारा जो पुरानी विचारधारा है उसको हम कहेंगे हीनयान, हीनयान विचार। महायान जो है वह उसको एक विशिष्ट व्यक्ति मानती है, बोधिसत्व को भी ज्यादा महत्व देती है और महात्मा बुद्ध को भी ज्यादा महत्व देती है। तो इन दोनों में अंतर है। हीनयान पुरानी विचारधारा है और महायान नई विचारधारा है। और हीनयान का पुराना दूसरा नाम थेरवाद भी है, इसको थेरवाद भी कहा जाता है।
महायान के अनुयायी दूसरी बौद्ध परंपराओं के समर्थकों को हीनयान के अनुयायी कहते थे, लेकिन पुरातन परंपरा के अनुयायी खुद को थेरवादी कहते थे। इसका मतलब है कि जो लोग जिन्होंने पुराने प्रतिष्ठित शिक्षकों के बताए रास्ते पर चलने वाले, यानी थेरवादी कौन लोग हैं, जो पुराने शिक्षक थे, पुराने टीचर्स जो थे, पुराने जो ज्ञानी व्यक्ति थे, उनके कहने के अनुसार बताए हुए मार्ग पर चलने वाले थेरवादी कहलाए। और महायान विचारधारा क्या है, इसमें बौद्ध परंपराओं के समर्थकों को यानी महात्मा बुद्ध और उनके अनुयायियों को ज्यादा महत्व दिया जाता है, और इसमें पुरातन परंपरा को इतना ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता है। इनमें दोनों में अंतर करने की कोशिश कीजिए। ये पहली सदी की महात्मा बुद्ध की जो मूर्ति है, ये महायान परंपरा के डेवलपमेंट के बाद में ज्यादा अस्तित्व में आई है, क्योंकि महायान परंपरा के लोगों ने ही इसे ज्यादा महत्व दिया है, महात्मा बुद्ध को और बोधिसत्व को। मूर्ति कला के लिए हड्डियों, मिट्टियों और धातुओं का इस्तेमाल होता था, इनके विषय में पता करें, यानी इन सब चीजों को मिला करके और मिट्टी और विभिन्न प्रकार की हड्डियां, विभिन्न प्रकार की धातुएं, इनका इस्तेमाल करते हुए आभूषण वगैरह पहनाए जाते थे और मुकुट वगैरह बनाए जाते थे, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है। अब इससे आगे बेटा, पौराणिक हिंदू धर्म की परंपरा को तो मैंने, बच्चे बहुत कम हैं, क्या बात है, धीरज, तन्नु, उषा, बाकी बच्चे, भूमिका, हाँ बेटा एक बात सुने, आज आप यहां तक पेज नंबर 103 तक पढ़ के आए, इससे आगे 104 से हम फिर दोबारा से पढ़ा देंगे आपको, ठीक है बेटा? हाँ, क्योंकि आप इसी के लिए कह रहे हो कि दोबारा से रिपीट कर दें, कोई दिक्कत नहीं है, हम कर देंगे रिपीट जितनी बार भी। बेटा लेफ्ट नहीं होते ये, इसमें पता नहीं कभी कभी ये टावर की प्रॉब्लम आती है, हमेशा तो नहीं होता, कभी कभी होता है, एक दिन पहले भी हुआ था ना, आपको पता भी होगा, ज्यादा दिन भी नहीं हुए हैं, 5-7 दिन पहले की बात है, ज्यादा दिन नहीं हुए। तो आप ऐसा कीजिएगा कि हम इसको कल, इस टॉपिक को आप याद दिलवाना मेरे को, 104 पेज से लेके चलेंगे, ठीक है? हाँ अब आप लीव कर सकते हैं बेटा। धीरज लेफ्ट करो बेटा।